जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ मॉन्स्टर रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, और कुछ व्यूअर्स के ये क्वेश्चन लगातार मुझे आ रहा है कि जब सुशांत को मालूम था कि उनकी हत्या होने वाली है, क्योंकि ऐसा स्मिता पारिक ने बोला था और इस तरीके के बयान आए थे फैमिली की तरफ से भी कि फरवरी में उन्होंने व्हाट्सएप पे एक FIR करी थी कि सुशांत की जान को खतरा है, तो सुशांत कहीं ना कहीं जानते थे कि उनकी उनकी हत्या हो सकती है, और दिशा सालियान की हत्या के बाद वो श्योर थे कि उनको मार देंगे, ऐसा उनके करीबियों ने बताया था। तो सुशांत ने फिर वो घर छोड़ के वो गए क्यों नहीं, वो क्यों वहीं पे रहे, और 12 तारीख तक जब तक मीतू दीदी उनकी उनके साथ थी तब तक वो अगर नॉर्मल थे तो वो क्यों नहीं गए, वो जा सकते थे, वो मीतू दीदी के साथ ही जा सकते थे, फिर वो क्यों रुके रहे वहां पर जब उन्हें मालूम था कि अभी दिशा सालियान को मार दिया है, हत्या कर दी गई है उनकी, और अब उनको उनकी हत्या करने वाले हैं, तो क्यों 12 तारीख को जब मीतू दीदी गई तो क्यों नहीं वो उनके साथ चले गए, क्यों वो उसी घर में रुके, क्या वो एक मौका देना चाहते थे मर्डरर्स को कि आओ और मुझे मार दो, ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप आपकी लाइफ को ऐसा किसी भी पर्सन की लाइफ को डेंजर महसूस होता है तो वो उस जगह से कुछ भी करके अंडरग्राउंड हो जाता है या कहीं और चला जाता है, और उसे अगर इतना कन्फर्म हो कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा तो कैसे हो सकता है कि उनकी उनकी जो बहन थी वो 12th को चली जाती हैं और वो उसी घर में फिर भी रुक जाते हैं, क्या उनको ये चीज डाउट नहीं हुई? और रिया चक्रवर्ती भी चली जाती है तो क्या वो समझ गए होंगे कि ये सब इसलिए जा रहे हैं कि अब मेरी जान को खतरा है और मेरे को मारने वाले आ सकते हैं, पर फिर भी सुशांत क्यों नहीं गए, हम यही जानेंगे बस आज की इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, और यहाँ पे मैं शाउट आउट देना चाहूंगी स्वास्तिक फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर को, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर इन इंडिया, आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फिजियोथेरेपी रिक्वायरमेंट हो तो। और उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज टीम SSR वॉरियर 369 को ज्वाइन करिए, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है थैंक यू सो मच, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए उस चैनल को जाकर के, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए लगातार फाइट कर रहे हैं, और अगर आपने वहां पे आके सब्सक्राइब कर लिया तो जो ये टीम है वो और स्ट्रांग होगी। और अगर आप ट्रू SSR वॉरियर है तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वीडियो खत्म होने पर और उस पर लिंक जो है उस पर क्लिक करेंगे और डेफिनेटली उस चैनल को सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, और हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जब सुशांत सिंह राजपूत को आसपास करीबी कह रहे हैं, करीबी कह रहे हैं, देखिए डबल फेस आया है यहाँ पर, जैसे ही मैंने करीबी बोला तो डबल फेस आया है, मतलब रियलिटी क्या है आपको देखो, जो भी करीबी ये कह रहे हैं ना कि सुशांत की जान को खतरा था, वो उनकी डेथ होने वाली थी, वो यहाँ सुशांत को दिखाते थे कि उसके अपने हैं लेकिन वो असलियत में मर्डरर्स के साथ मिले हुए थे, ये कार्ड हमें यहाँ पर ये बताता है। और देखिए इसके बाद ही अगला जो कार्ड है इसमें देखिए बहुत सारे ये जो लोग हैं ये वही करीबी लोग हैं जो अपनापन दिखाते थे, और यहाँ देखिए यहाँ पे ये लोग वेपन्स के साथ और सुशांत पे अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है इन दोनों कार्ड्स में। और ये एक और चीज आप देखिए कार्ड नंबर 4 और कार्ड नंबर 5 दोनों साथ साथ में आए हैं, और यहाँ मैंने कोई भी इनके सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखा था अभी यहाँ पे, लेकिन लगातार ये 3 कार्ड्स आए हैं साथ साथ में, कार्ड नंबर 3 यानी कि जिनको वो ब्लेसिंग समझते थे। चलिए तीनों कार्ड हम लेते हैं, और भी इंटरेस्टिंग कार्ड लग रहे हैं लेकिन इनको रहने देते हैं, 3 लेते हैं क्योंकि तीनों सीरीज में यहाँ पे दिख गए मुझे, तो डेफिनेटली टैरो कार्ड जो है यहाँ पे कुछ हमें बताना चाहते हैं, मैसेज है, इसलिए मैं इसे कंसिडर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए एक पर्सन है जिसके ऊपर फीमेल जो है ये ब्लेसिंग दे रही है, तो सुशांत किसी को अपना ब्लेसिंग समझते थे डेफिनेटली, और लेकिन असलियत में वो ब्लेसिंग नहीं था, वो सुशांत के सामने तो अच्छा रहता था, जो भी वो पर्सन था सुशांत ट्रस्ट करते थे, लेकिन एक्चुअल में वो नेगेटिव एनर्जीज को गलत लोगों को फीड कर रहे, जैसे ये पर्सन देखिए यहाँ पे सुशांत उसकी तरफ देख रहे हैं लेकिन वो फीड कर रहा है ब्लैक एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को, तो जो भी सुशांत के करीब करीब थे जो ये कहते हैं कि सुशांत की जान को खतरा था वो एक्चुअल में सुशांत के साथ होने का ड्रामा करते थे, एक्चुअल में वो मिले हुए थे इन लोगों से, और यहाँ देखिए अंजाम दिया गया उस घटना को, ये वही घटना है 3, 4 और ये 5 नंबर, ये वही हत्या है सुशांत की जिसको अंजाम दिया गया किसी अपने के अप्रूवल के बाद, या किसी अपने ने जानबूझ करके सुशांत को इस सिचुएशन में धकेला। सुशांत जानते थे फिर भी वो क्यों नहीं गई ये जगह छोड़ करके, क्यों वहीं पर रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो लोग हैं ये उन्हें बचाएंगे सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे मर्डरर्स आए और उन्होंने सुशांत की हत्या कर दी। तो यहाँ पे ये तीनों कार्ड्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि हमें यही जानना है कि जब सुशांत को मालूम था तो वो क्यों नहीं वहां से चले गए, कोई भी पर्सन होगा तो वो जगह छोड़ देगा, सुशांत क्यों नहीं गए, तो यही हमें यहाँ पे जानना है। कार्ड्स गिव मी मोर क्लैरिटी ऑन दिस प्लीज। हालांकि यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से आंसर दे दिया है टैरो कार्ड्स ने, लेकिन फिर भी हम और क्लैरिटी लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फार्म हाउस फिर से हमें दिखा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये सुशांत का वो घर है माउंट ब्लैंक जहाँ पे वो थे रहते थे, और यहाँ पे ये पूरी तरीके से बंद है, तो यहाँ पे अंदर जो हो रहा था वो एक सीक्रेट था,
उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला, पूरा ये तरीके से बंद था, लॉक्ड था, तो किसी को नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है। लेकिन जो लोग अंदर थे, जो लोग इस घर के अंदर थे, वो जानते थे कि कौन हत्यारा है, कौन आया है मारने के लिए सुशांत को। ये इसका ये भी कारण हो सकता है कि सुशांत को इस घर में बंद कर दिया गया था, बाहर जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि हालांकि 12 तारीख तक तो मीतू देवी वहां थी, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा कार्ड आया है कि वो पूरी तरीके से बंद हो चुके थे उस घर में, नो एंट्री, मतलब किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, उनको बंद करके रखा गया था अंदर घर में। लेकिन यहाँ पर यह भी बात आई है सामने कि रिया चक्रवर्ती आई थी और सुशांत उन्हें छोड़ने गए थे, बहुत सारी बातें सामने आई है। तो क्या ये सब चीजें जो है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बंद था, अभी कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया था, उन्हें घर में कैद कर दिया गया था, इस कैसे कैद किया गया था। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली वही दिख रहा है कि सुशांत को स्ट्रैंगुलेट कर रहा है ये पर्सन, जो शेर है यहाँ पर, कोई ताकतवर पर्सन यहाँ पर है जिसने सुशांत का गला यहाँ स्ट्रैंगुलेट किया है। यहाँ पे गाड़ी का जो स्टेयरिंग है या पहिया है वो यहाँ पे दिख रहा है, फादर सन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यानी कि सुशांत को उनके घर से जहां वो रह रहे थे वहां से गाड़ी में लेकर के गए हैं, और रास्ते में सुशांत को या तो किसी जगह पर लेकर गए, इस फार्म हाउस पर हो सकता है लेकर गए हों, क्योंकि ये दोनों ही 10 नंबर कार्ड है। आप देखिएगा, हमें हमारे सवाल का तुरंत ही जवाब मिल गया, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि ये क्या है, एक्चुअल में ये फार्म हाउस है जहां सुशांत को ले जाया गया, जिससे जो पूरी तरह बंद था, यानी कि यहां से सुशांत को किडनैप करके या पकड़ के, या यहाँ पे लोग आए और सुशांत को पकड़कर अपने साथ लेकर गए, कहाँ लेकर गए, फार्म हाउस पर लेकर गए, और उस फार्म हाउस पर यहाँ पे उन्हें स्ट्रैंगुलेट किया गया या जो भी उनके उनको प्रताड़ित किया गया, क्योंकि 10 नंबर कार्ड है दोनों के दोनों, और यहाँ से सुशांत को लेके जाया गया है इस जगह पर जो पूरी तरह बंद है, यहाँ पे हर किसी को एंट्री नहीं है, इस जगह पर लेकर गए, और इसके अंदर क्या हुआ वो एक मिस्टीरियस चीज है, उसे बताया नहीं गया है। और ये डेफिनेटली फार्म हाउस है, आप देखिए जैसे आसपास पूरा खाली जमीन है, तो यहाँ सुशांत को लेकर गए हैं, गाड़ी में लेकर गए हैं फार्म हाउस, और इनके जो अपने थे जिनको ये ब्लेसिंग समझ रहे थे, उसी ने धोखा दे करके इनको गाड़ी में लेकर गया है, वही पर्सन किसी बहाने से इनको लेकर के गया है। ये देखिए यहाँ पे रिया चक्रवर्ती क्लियर दिख रही है, और ये सुशांत है जो इस बात को जानने के बाद बहुत दुखी हुए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है ये दिखा रहा है कि ये पर्सन पे ट्रस्ट कर रहा है सुशांत, लेकिन ये एक्चुअल में मिला हुआ है इन लोगों से, तो हो सकता है कि सुशांत और साथ में उसको ब्लेसिंग भी समझ रहा है, तो हो सकता है रिया चक्रवर्ती पे ये ट्रस्ट करते थे और इसने यहीं पे उनका ट्रस्ट तोड़ा यहाँ पे, और ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत को बाद में पता चला कि रिया जो है वो उन्हें धोखे से लेकर आई है इस जगह पर। कौन सी जगह पर? ये जो फार्म हाउस है, तो इस जगह पर धोखे से लेकर के आई है। यहाँ पे बहुत बड़ा बिट्रेल दिख रहा है, SSR के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, किसी अपने ने ही उन्हें धोखा दे दिया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिया चक्रवर्ती की एनर्जी बहुत स्ट्रांग भी दिख रही है कि वो उन्हें लेकर गई, और फिर बाद में सुशांत को यहाँ बहुत दुख हुआ ये चीज देख करके कि उसने ही उन्हें फंसा दिया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अंडरवर्ल्ड का ही कोई पर्सन है, मूवी माफिया अंडरवर्ल्ड का, और यहाँ पर जो लोग थे उनको ये गाइड कर रहा है। अब ये दो लोग कौन है जिन्हें ये गाइड कर रहा है ये हम देखते हैं। यहाँ पे एक कार्ड आया है फिर से, यहाँ पे सुशांत को इन्होंने काफी समय के लिए उस जगह पे जो फार्म हाउस था वहां पे इस तरीके से इस कंडीशन में रखा हुआ था। आप देखिए ये भी 10 नंबर कार्ड है। तो अगर हम अंदर की बात करें, सुशांत को अंदर इस तरीके से बंद करके रखा हुआ था इन्होंने, या सुशांत को काफी समय के लिए वहां पे रखा था, हो सकता है एक दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए, लेकिन सुशांत को वहां पे टॉर्चर भी यहाँ पे किया है इन्होंने, और उससे सबूत मांगे हैं। और जो हार्ड डिस्क की हम बात करें तो वो भी उनसे, जो उनके पैरों में, अगर हम इस कार्ड को देखें तो इन पे अटैक हो रहा है। आप देखिए बर्ड जो इनके हाथ से ये ट्रेजर की जो है वो ये लेना चाह रही है और अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ डेफिनेटली सुशांत से इन्होंने कई राज जो है वो जानने की कोशिश की है, कहाँ ले जा करके, इस जगह पे ले जा करके, यहाँ जो बंद है इसके अंदर ले जा करके सुशांत से सवाल पूछे हैं, और जो उनके पैर पे जो सुइयों के निशान थे वो उनको टॉर्चर किया गया है, डराया गया है उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये फार्म हाउस का क्लियर कनेक्शन है यहाँ पे सुशांत की हत्या से, और ये चीज यहाँ पे क्लियर दिख रही है। यहाँ पे पहले सुशांत को, यहाँ इन लोगों ने सुशांत से बात भी करी है, और ये रिया चक्रवर्ती उसको लेकर गई है यहाँ पर, सुशांत को इस जगह पे, इस मूवी माफिया के पास लेकर गई है या डॉन के पास या जहां भी लेकर गई है, लेकिन रिया लेकर गई है और इनसे बात करवाई है उसने, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, और लास्ट में जैसे होता है एकदम धोखा दे के छोड़ देना, वो यहाँ पे क्लियर लग रहा है। तो सुशांत जो है वो जानते थे कि उनकी हत्या होने वाली है, फिर भी क्यों वो इनकी बातों में आ गए, क्यों रुके रहे? क्योंकि यहाँ पे कोई अपना ही था जो उन्हें कह रहा था कि डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं बात करूंगा या बात करूंगी, और उसने ही उन सुशांत को विश्वास दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
लेकिन शी वॉज विद दिस ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव लोगों के साथ थी और सुशांत पे अटैक करवाया उसको, यहाँ पर किसी तरीके से इस फार्म हाउस पे लेकर गए जहाँ फार्म हाउस पे उन्हें टॉर्चर किया गया और उसके बाद उनको वहां पे स्ट्रैंगुलेट किया गया या जो भी ओवरडोज दी गई उनको अधमरा सा करके उनको शायद वहीं पे मार दिया था और बाद में उनको घर ला करके स्टेज कर दिया। तो ये सब चीजें यहाँ पर हुई हैं। लेट्स गेट द फाइनल कार्ड कि क्या सुशांत को, हमने जो ये देखा कि यहाँ पे सारा का सारा एक सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसमें सुशांत किसी न किसी पर यकीन करते थे और उसने ही ट्रस्ट तोड़ा है। सुशांत को मालूम था कि उनकी हत्या होने वाली है या उन्हें मारा जा सकता है, लेकिन ऐसे में जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, या उन्हें एक रोशनी जो दिखी वो इस पर्सन में उन्हें रोशनी दिखी जो रिया चक्रवर्ती है। इसने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें चिंता मत करो, मैं बात करूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये इसने बोला इनसे। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को लगा कि हाँ ठीक है ये मेरी हेल्प कर सकती है या ये इस चीज को रिजोल्व कर पाएगी या कुछ इन लोगों से बात करेगी, लेकिन एक्चुअल में तो वो इन लोगों के साथ मिली हुई थी और इन लोगों के इशारे पे ही सुशांत को उनके घर से, और ये जो नौकर है ना दीपेश सावंत और ये सब मिले हुए हैं, अगर इनको इंट्रोगेट किया जाए, इन्होंने सुशांत को ये किडनैप करने में और जो भी हुआ है ये इनकी वजह से ही हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ फार्म हाउस का कनेक्शन डेफिनेटली है SSR की डेथ से। और उसके बाद उन्हें ड्राइव करके फार्म हाउस लेकर गए और वहां पर उनके साथ उन्हें टॉर्चर किया गया और यहाँ रिया चक्रवर्ती की रियलिटी जान के उन्हें बहुत शॉक लगा, यहाँ पे दुख हुआ। और फिर फाइनली सुशांत को मारने के इंस्ट्रक्शंस, ये हो सकता है पुलिस वालों को जो मूवी माफिया है या जो डॉन था या जो भी ये पर्सन है जो पावर में है, ये फादर सन यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं, तो उस पर्सन ने डेफिनेटली जो मर्डरर से उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए कि क्या करना है, या फिर इनका कोई वकील डेफिनेटली यहाँ पे है, ये फादर सन तो इधर है, तो ये जो भी पर्सन है ये कोई वकील लग रहा है जिसने इनको फिर बताया कि किस तरीके से आप इस केस को एज अ सुसाइड कन्वर्ट कर सकते हो। और ये कोई पुलिस वाले हो सकते हैं कि ये दो पुलिस वाले हैं जिनको जाकर के, ये परमवीर सिंह और सचिन वाजे हो सकते हैं जिनको ये जो वकील है इनका वकील पर, इस वकील की और इन दोनों की आपस में बातचीत हो रही है, किसके कहने पर, इन दोनों के कहने पर कि अब तुम इसको डिस्कस करो कि हमने तो सुशांत को इस फार्म हाउस पे लाके मार दिया है, फार्म हाउस पे ला करके मार दिया है, यहाँ पे स्ट्रैंगुलेट कर दिया है, तो अब सुशांत तो अब नहीं है, यहाँ पे ये देखो सैड है ये स्माइल कर रही है, तो हमने तो हमारा काम कर दिया है, उसकी हत्या करवा दी है, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है। तो इन दोनों ने वकील और ये दो पुलिस वालों को बुलाया, इन्होंने आपस में डिस्कस किया कि किस तरह से इस मर्डर को स्टेज करेंगे एज अ सुसाइड, और यहाँ पे सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग करा। तो सुशांत क्यों नहीं गए वो जगह छोड़ के, क्योंकि जो पर्सन जिसको सुशांत बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे उसने सुशांत को कॉन्फिडेंस दिया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं ये चीज हैंडल कर लूंगी, और यहाँ पे रिया चक्रवर्ती ही मेन कड़ी है। और ये सब बोल करके सुशांत को अपनी बातों में लेकर के फार्म हाउस तक ले जाया गया, और फार्म हाउस में ले जाने के बाद उनको टॉर्चर किया गया, वहां से उनकी इन्फॉर्मेशन ली गई और साइमल्टेनियसली उनके घर से जो 8 हार्ड डिस्क गायब हुई हैं वो चीजें भी करी गई, और ये पूरा एक प्लान के तहत किया गया। सुशांत को लास्ट तक किसी पे यकीन था, लास्ट में उनका ट्रस्ट टूटा है, एकदम लास्ट में जो भी वो पर्सन था फीमेल थी बहुत स्ट्रांगली, और उसने लास्ट मोमेंट पे सुशांत का ट्रस्ट तोड़ा है एकदम एंड में। तो यहाँ पे धोखा, बहुत जबरदस्त धोखा हुआ है सुशांत के साथ। देखो इन कंटिन्यूएशन लाइज एंड डिसी, डेफिनेटली धोखा हुआ है, और सुशांत की जो आत्मा है मरने के बाद भी उनकी जो स्पिरिट थी वो इसी धोखे को याद करके दुखी होती थी, उनकी जो स्पिरिट थी बहुत दुखी हुई ये सब याद करके कि किसी ने उन्हें धोखा दिया, बैकस्टैब किया है उन्हें किसी ने, और बहुत ज्यादा उन्हें इस चीज का दुख है। यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो सुशांत की स्पिरिट ही है जो बहुत दुखी हुए जब यहाँ पे ये देखिए बैकस्टैब किया, झूठ बोल करके सुशांत को वहां पे किडनैप करवा दिया, वहां तक पहुंचा दिया, और फिर सुशांत की जब हत्या हो गई, यहाँ सुशांत बहुत दुखी हो रहे हैं पुरानी बात याद करके। तो डेफिनेटली सुशांत के साथ बहुत ज्यादा धोखा हुआ है, और ये जो भी पर्सन था उसने धोखा दे करके सुशांत को अपने साथ लेकर गया, यानी कि सुशांत को मालूम था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी के ऊपर यकीन किया, और जिस पर यकीन किया उसने ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करवा दी। तो यही चीज मुझे यहाँ पर देखनी थी। आई होप यू लाइक द रीडिंग, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।